नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राजधानी भोपाल के राहुल नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी दी। इस मौके पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,29,292 हितग्राहियों के खाते में 627 करोड़ रुपए का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आवास योजना के 4 हितग्राहियों को आवास की चाबी भेंट की। 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान संजय महाजन की टीम ने नर्मदाष्टक की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश का कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 2024 तक हम सभी गरीबों को घर उपलब्ध करवा देंगे। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें पट्टा देकर उनका घर बनवाएंगे। रघुवीर जी, इसके बाद श्रीमती कविता सुशील कुमार, प्रमाण पत्र है जिसमें 2,00,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी और 20,000 रुपए अग्रिम रूप से और बाकी 1,00,000 चार महीने में बनकर के तैयार हुए और लोगों को उन मकानों को हस्तांतरित करने का काम, उनका भूमि पूजन से लेकर लोकार्पण का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाने का जो प्रयास किया है। लेकिन मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास है कि लगातार इस दिशा में उन लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए लगातार वो प्रतिबद्ध है। लेकिन एक सरकार ऐसी बनी कांग्रेस के बीच में कि वो केवल एक ही काम करते रहे, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि वो ये कहते रहे कि जब ये प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो इसमें फोटो किसकी लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की फोटो की जगह पर मेरी फोटो लगे, वहां पर मेरे नाम का उल्लेख हो, इसी में लोग लगे रहे। 15 महीने के अंदर उन्होंने जो लोगों को अवसर मिलने चाहिए थे उन अवसरों को, हक और अधिकार को भी छीनने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मित्रों में गर्व है इस बात का कि लगातार हमारे जो हितग्राही हैं, आज जो अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे, 50,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके आज मकानों का भूमि पूजन होगा और ऐसे लोग जिनके मकान बनकर के तैयार हो गए हैं उनकी राशि का आज हस्तांतरण हुआ है एक क्लिक के माध्यम से। इसमें कोई बिचौलिया नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये इस प्रकार के गुड गवर्नेंस देने वाली सरकारें हैं कि अगर बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, जो पैसा आपने खर्च किया है वो पैसा आपके खाते में सीधे जाकर के, कोई उसमें इधर उधर नहीं हो सकता, सीधे उसके खाते में जा रहा है। इस प्रकार का ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इसलिए मैं पुनः एक बार हमारे सभी हितग्राहियों को जो आज लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके मकानों के भूमि पूजन हो रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई तो देता ही हूं मैं उन लोगों को जो नगर निकाय के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और पूरे हमारे प्रशासन के तंत्र के लोग इस काम में लगे हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने मकान बना करके लोगों को दिए हैं और समय से पहले उनको उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं माननीय नगर प्रशासन से, सभी अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुरू करें। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों की जीवन की दिशा बदली है, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है, आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,29,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश या उनके खाते में राशि या आज 50,000 से ऊपर लोगों के भूमि पूजन प्रधानमंत्री आवास के जो हुए हैं, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि इतने लाख लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक के माध्यम से लोगों को आज लाभान्वित करने का काम किया है। ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीबों को उनके अपने मकान में रहने का अधिकार है,
आज आप ये देख रहे होंगे। मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूँ, भोपाल के जिस रीजन में हम लोग बैठे हैं, ये भोपाल का बहुत प्राइम लोकेशन है। उस प्राइम लोकेशन में जो अभी चयन प्रमाण पत्र हमारे कमिश्नर साहब ने, लोगों ने, जगदीश देवड़ा जी ने, सभी लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, उनको इन मकानों में इतने प्राइम लोकेशन पर आज उनको चयन हो करके उनके मकान यहाँ पर बन करके तैयार हैं और मकानों के भूमि पूजन हो रहे हैं और जो मकान स्वयं बना रहे हैं उनके खाते में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। हम लोग जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उन हर गरीब के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा सरकार ने दी हो, तो ऐतिहासिक तौर पर आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने 1,29,000 लोगों को लाभान्वित किया। श्वेत पत्र श्वेत पत्र जो प्रदेश में कर्जा है उसको लेकर शिवराज जी, वो महंगाई को लेकर। कमलनाथ जी, कर्जा देने का काम तो आप ही करके चले गए मध्य प्रदेश के अंदर, लोगों से झूठ बोल करके, छल कपट करके, भ्रम में डाल के चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने जो कहा कि नारियल फोड़ने का काम फिर शिवराज जी करने लगे, कमलनाथ जी, ये नारियल नहीं फूट रहा, ये गरीब आदमी देखो आप जिनके चेहरे पर मुस्कान, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1,29,000 लोगों को उनके अपने घर देने का काम आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये नारियल नहीं फोड़ा है, और नारियल फोड़ने का अधिकार इसलिए है क्योंकि उनको हम दे रहे हैं, ये तो शुभ होता है। नारियल फोड़ना आपको अशुभ लगता है क्या? क्योंकि आपने भारतीय संस्कृति कभी देखी नहीं। नारियल सुबह उस पर फोड़ा जाता है, तो हम एक नहीं कमलनाथ जी, आज 1,29,000 नारियल फूट रहे हैं। और इसलिए हर जगह पर, केवल उपचुनाव का क्षेत्र नहीं है, कमलनाथ जी क्या है, कमलनाथ जी की स्मृति भी थोड़ी सी वैसी हो गई है, वो देखते नहीं क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। गरीबों को हक और अधिकार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.